मॉर्निंग बच्चों, अभी किसी ने भी कल बोली भेजा? ओके तो आज बच्चों हम एक हाँ क्या कह रहा है, हम ना आज इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है हमारा हम उसको खत्म कर देंगे, एक तरीके से हमारा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। बट जैसे मैंने कहा था कि जो प्लेस वाला टॉपिक है उसमें अभी अनसर्टेनिटी है कि क्या कोर्स में है और क्या कोर्स में नहीं है, तो हम एक और क्लास लगाएंगे आज की क्लास के बाद। और जो प्लेस का पहले जो होता था लास्ट ईयर को छोड़ देते, अगर लास्ट ईयर को स्किप करके उससे पिछले साल तक जो होता था वो हम कर लेंगे, जो जैसा भी रहेगा बाद में पता चलता है कि है तो हमारा कोर्स हो चुका होगा, नहीं होएगा तो अगली बार से आगे रिविजन में आप मत पढ़ना। तो हम इस एक क्लास आज की क्लास के बाद एक क्लास और लगाएंगे, ठीक है। लास्ट कल तक हमने क्या किया, कल हमने फिलोसफीज की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था फिलोसफीज का, जो हमने उसमें क्वेश्चंस भी किए थे, उसको कंपैरिजन भी किया था, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था केस स्टडीज के लिए। अब हम अपना आज जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है आज, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमें खत्म करने हैं। एक दो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम अब करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज हम करेंगे वो है हमारा फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम आज करेंगे वो है हमारा फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। और आप अपने नोट्स को कर दीजिए बिल्कुल बंद, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी, पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। करा हाँ जी बेटा, कहाँ तो था लेबलिंग पे? लेबलिंग कर चुके हैं। नहीं लेबलिंग, हाँ टोटल 12 फंक्शंस है ना, 12 फंक्शंस है पेज नंबर 5 पे, ये इसमें काफी सारे हमारे हो चुके, काफी अलग भी पॉइंट्स। तो बेटे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में हमारे को बेसिकली 12 फंक्शंस होते हैं जो एक मार्केटियर को परफॉर्म करने होते हैं। इसमें से अभी जैसे पुलकित ने भी बोला, टोटल 12 में से पांच ही फंक्शंस ऐसे हैं जो नए हैं, जो हमने अभी तक नहीं पढ़े। उसके अलावा जो सात फंक्शंस हैं वो हमारे हो चुके हैं, जैसे कि प्राइसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, ये सब हमारे हो चुके हैं। तो मेन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वो पांच फंक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे जो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़े और फर्स्ट टाइम हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सारे एक बार पढ़ेंगे जिससे हमारा जो टॉपिक्स है वो भी हमारे रिवाइज हो जाए। जानवी जी आप अच्छा खासा आपने वीडियो ऑन किया, वेदिका को देख के आपने भी बंद कर दिया, चलो वीडियो ऑन करो। वेदिका की तो आज तबीयत बहुत खराब है, वो तो आई नहीं रही थी इसलिए मैंने उसको बोला चलो आप सुन लो, आप अपना वीडियो ऑन करो। ओके तो बेसिकली ये 12 12 पॉइंट्स है, ठीक है, ये 12 फंक्शंस होते हैं हमारे। और हमें क्या करना है, इसको आप इसको ना एक सीक्वेंस में समझेंगे, हम एक सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करेंगे, जो इसके स्लैंग बने हुए वो भी सीक्वेंस में ही बने हुए, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको सीक्वेंस में ही याद कर लोगे। क्योंकि 12 पॉइंट है इसलिए मैंने इसके दो स्लैंग्स बनाए हैं, पहले 6 पॉइंट्स का एक और फिर अगले 6 पॉइंट्स का एक। पहले वाले 6 पॉइंट्स की बात करते हैं, अभी बिल्कुल नोट्स बंद कर दो बेटा, मेरी तरफ देखिए सिर्फ और मेरी बात को सुनिए। अब इसको ऐसे समझो कि आपका मन कर रहा है एक नया, आपका मन कर रहा है आपको एक स्टार्टअप स्टार्ट करना, मतलब एक स्टार्टअप आपको शुरू करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी स्टार्टअप अगर आप उठा के देखो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी स्टार्टअप जो था, स्टार्टअप स्टार्ट कैसे होता है, चाहे वो ओयो ओयो होटल्स हो, तो आप मुझे बताइए कि कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कैसे होता है। पुलकित आप बताओ क्या हो, क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्टार्टअप? आइडिया होता है। एग्जैक्टली आइडिया, और आइडिया कैसे मिलता है आप एक बार अगर सोच के देखो, अगर आपने इन लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी है, ओयो वाले की और स्विगी वाले की, तो एक्चुअली में हुआ क्या, इन लोगों को ना एक्चुअली ये नहीं था कि एक दिन बैठे हुए तो कहा नहीं हमें हमें ऐसा कोई रेस्टोरेंट सर्विस स्टार्ट करनी है या हमें कोई होटल सर्विस स्टार्ट करनी है, इन्होंने प्रॉब्लम फेस की। ओयो वाले की अगर आप पढ़ो तो ओयो वाला जो फाउंडर है उसने ये बताया था कि एक दिन वो कहीं होटल लेने गया था किसी सिटी में और उसको एक अफोर्डेबल होटल ही नहीं मिला, उसको बहुत प्रॉब्लम आई, या तो बहुत हाई एंड होटल्स थे या बहुत ही लोअर होटल्स थे, उसको जिस तरीके का होटल चाहिए था वो उसको मिला ही नहीं है। तो उसको एक आइडिया क्लिक किया कि एक नीड है मार्केट में जहाँ पे हमें होटल्स एंड कस्टमर्स के बीच में एक मिडल मैन की जरूरत है जिसको हमें लाना पड़ेगा। अगर आप स्विगी की बात करें तो स्विगी भी ऐसे ही जनरेट हुआ था, बहुत जब स्विगी का जो ओनर है फाउंडर है उसने ये बताया कि उसने ये महसूस किया मार्केट में कि बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन वो डिलीवरी सर्विसेज नहीं देते अपने कस्टमर्स को, इसलिए उनके ऑर्डर्स कम रह जाते हैं। तो उसने सोचा कि एक बहुत जरूरत है एक सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करने की। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें सर्वेस करके और हमें जो कुछ स्टडी करके हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी कि किस चीज की कमी है मार्केट में,
क्या चीज है जो एक अच्छा फिट हो सकता है। मैं आपको आज के टाइम का भी बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो पहले मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बच्चों आज के टाइम में जो अभी टाइम चल रहा है, मैं आपको बहुत अच्छा एक सर्विस देता हूँ। आपको शायद पता हो स्विगी वगैरह से, आज जोमेटो और स्विगी से आप सिर्फ खाना नहीं मंगवा सकते, आप चाहो तो आप किसी और के घर से अपने घर तक कोई भी डिलीवरी करवा सकते हो। शायद आपको ये बात ना पता हो, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि आज के टाइम पे जब से कोविड हुआ है, पिछले साल से लेकर अभी तक, स्विगी जोमेटो आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग डिलीवरी सर्विसेज फ्रॉम रेस्टोरेंट्स। आप जोमेटो को बुक कर सकते हो और वो आपको बोल कर सकते हैं कि मेरे घर से पुलकित के घर में ये डिलीवर करना है या गिरीश के घर में ये डिलीवर करना है, तो वो अपना चार्ज ले देंगे जो भी उनका डिलीवरी चार्जेस है और आपके घर से उठा के इनके घर पे डिलीवर कर देंगे। अब मैं आपको उसका यूज बताता हूँ कि क्यों उन्होंने अपने आपको एकदम से ये आइडिया उनके उनको स्ट्रक किया। अब जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, थोड़े दिन पहले आपको पता ही है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और इनफैक्ट मेरी वाइफ की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो हम दोनों ही घर पे है। अब हम दोनों ही इस पोजीशन पे नहीं है कि हम खाना वाना बना सकते, तो हमने अपने रिलेटिव से बात की कि भाई हमें खाना चाहिए। अब ना तो वो हमारे घर देने आ सकता क्योंकि हमारे घर तो आ ही नहीं सकता कोई, और ना हम उसके घर जा सकते, तो हमने किसका सर्विस का यूज किया, हमने 10-15 दिन इसका यूज किया, स्विगी जोमेटो एंड ये जो और डिलीवरी सर्विसेज है, हमने इनसे बुक कर देते कि इस घर से लेके इस घर में देना है और ऑनलाइन पेमेंट कर देते थे और हमारे घर के बाहर गेट पे वो रख जाता था, काम खत्म, और हम मतलब वो डिस्पोजेबल में आता था तो ना हमें वापस भेजने का कोई झंझट। तो देखिए कितना अच्छा एक आइडिया बंदे को स्ट्रक किया, और कैसे स्ट्रक किया, जब उसने एनालाइज की कि मार्केट में आज किस चीज की कमी है जो कि एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। तो सबसे पहले जब एक आइडिया हमें चाहिए, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम सेकंड करते हैं। अब मान लो मेरे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई कि मेरे को इस चीज की मार्केट में कमी है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्लानिंग करूंगा कि मेरे को, जैसे हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया अब तो ऑलमोस्ट, कि मेरे को एक अच्छा ऑफर कैसे देना है मार्केट को, जिसमें एक सही प्रोडक्ट होएगा, एक अच्छा प्राइस पे होएगा, वो उसकी सही प्लेसमेंट होगी और वो सही चैनल्स ऑफ सॉरी मीडियम्स ऑफ प्रमोशन से मैं उसको प्रमोट करूंगा। तो मुझे ये देखना है कि अच्छा मैं पूरी प्लानिंग करूंगा पेपर पे कि मैं अच्छा प्रोडक्ट पैकेज कैसे अपने टारगेट कस्टमर्स को दूं। जब मैंने ये कर लिया, उसके बाद मैं इसका पहला पॉइंट उठाऊंगा और प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना शुरू करूंगा, प्रोडक्ट या सर्विस की डिजाइनिंग करनी शुरू करूंगा, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे कोरोना में आपको पता ही होगा, इनिशियल टाइम में बहुत बिजनेसमैन को ये पता चल गया था कि 2-3 साल तक तो दो चीजें बहुत बिकेगी। कोई बता सकता है, पिछले साल कुछ बिजनेसमैन ने रियलाइज कर दिया था कि 2-3 साल तक तो दो चीजें बहुत बिकेगी, और वो दो चीजें क्या, मास्क एंड सैनिटाइजर। और कुछ बिजनेसमैन ने अपने जो पुरानी चीजें बनाते थे उनको छोड़ के यही प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो उन्होंने पहले एनालाइज की मार्केट इंफॉर्मेशन, प्लान किया कि हमें कितने कैसा एक मास्क बनाना है, कैसा सैनिटाइजर बनाना है, फिर उसकी डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट शुरू कर। ठीक है, अब मार्केट प्लानिंग में उन्होंने सब डिसाइड कर लिया प्रोडक्ट, ये सिर्फ ब्रीफ, एक छोटा सा जिसको कहते हैं ना, स्टार्ट करने से पहले एक रिपोर्ट, छोटी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या समरी बनाते हैं कि हम एक प्रोडक्ट ये बनाएंगे। जैसे हमें पता चला कि इसकी जरूरत है, हम एक प्रोडक्ट ये बनाएंगे, उसका प्राइस रेंज इसके बीच में रखेंगे, उसको ऐसे ऐसे करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, एक बस एक जिसको कहते हैं इनिशियल, जब आप पढ़ने से पहले स्टार्टिंग में एक जो इनिशियल स्टडी बनाते हो, प्लान बनाते हो कि हम इस तरीके से करेंगे वो, फिर हम इसका एक एक एस्पेक्ट को डिटेल में हम कर लेते हैं। ठीक है, प्लेस प्रमोशन सोच लेते हैं, हाँ सोच लेते हैं कि हम प्लेसमेंट में दो से हम लोगों को घर पे भी देंगे, हम रिटेल स्टोर्स पे भी देंगे, इतना सोच लिया। अब डिटेल में नहीं सोचा कि कौन से चैनल्स को यूज करेंगे या कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। प्रमोशन में हमने ये सोच लिया कि हम एडवर्टाइजिंग करेंगे और सेल्स प्रमोशन करेंगे, ये नहीं सोचा कि एडवर्टाइजिंग में कौन सा मोड यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मतलब ब्रॉड सोच लेते, ज्यादा डिटेल में नहीं करते। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में एक अच्छा जो, अगर हम अपने प्रोडक्ट की अच्छी डिजाइनिंग कर ले तो उससे काफी हद तक तो हमारी सेल्स बढ़ जाती है, क्योंकि जब एक डिजाइन और अच्छा होता है तो लोग उसको यूज भी करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो कि एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करे। ठीक है, इसके फायदे क्या होते हैं, अगर एक कंपनी
स्टैंडर्ड की चीजें बनाती है, तो उससे मार्केटियर को भी फायदा मिलेगा और कस्टमर को भी फायदा मिलेगा। पहले बात करते हैं मार्केटियर को। मार्केटियर को क्या फायदा मिलेगा कि अगर वो स्टैंडर्ड की चीजें यूज करेगा, स्टैंडर्ड के रॉ मटेरियल्स यूज करेगा अपने प्रोडक्ट में, अपने फाइनल प्रोडक्ट में, तो क्या होगा, वो खराब कम होगी, और खराब कम होगी तो उसको वारंटी सर्विसेज कम देनी पड़ेगी, यस और नो। और अगर मान लो खराब हो भी गए तब भी क्या है, अगर कोई चीज, अगर आपका कोई मतलब नॉन स्टैंडर्ड की चीजें है वो खराब हो गई, तो आपको उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपकी स्टैंडर्ड चीज है वो खराब हो गई, तो मार्केटियर उसका वो पार्ट जो खराब हुआ है उसको रिप्लेस कर सकता है इजिली, और वो चीज फिर से चल सकती है। अब ये तो हो गया मार्केटिंग के लिए फायदा। अब कस्टमर के लिए क्या फायदा है कि अगर आप स्टैंडर्ड की चीजें खरीदोगे तो वही आपकी चीजें कम खराब होगी और लंबे समय तक चल सकती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन की का फायदा दोनों ही उठाते हैं, मार्केटियर भी एंड कस्टमर भी। और फिर मार्केटियर ये देखता है कि वो अपने प्रोडक्ट को किन किन क्लासेस में बेचेगा। जैसे मान लो मैंने सैनिटाइजर ही बनाया, तो सैनिटाइजर की मैंने देख लिया कि एक मैं 500 ml का बनाऊंगा, एक मैं 300 ml की बॉटल दूंगा, एक मैं स्मॉल कैरी बॉटल्स दूंगा जो जेब में रख सकते हैं, फिर मैं जेल बेस्ड बनाऊंगा या मैं बॉटल बेस्ड बनाऊंगा, फिर मैं फ्रेग्रेंस कौन सी दूंगा। तो वो ये ग्रेडिंग में वो डिसाइड करते हैं कि मेरे ये प्रोडक्ट की क्लासेस होने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो देखते हैं अपने प्रोडक्ट की क्या पैकेजिंग करनी है हमको, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। ये चार हमने अभी तक डिटेल में नहीं पढ़े थे, तो अब हमने पढ़े हैं। पैकेजिंग हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फिर वो ये देखते हैं कि उनको कौन से प्रोडक्ट की क्या पैकेजिंग करनी है, कौन से लेवल्स की पैकेजिंग करनी है, प्राइमरी पैकेजिंग करनी है, सेकेंडरी करनी है, और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करनी है, उसको किस तरीके का पैकेज डेवलप करना है जिससे वो अट्रैक्टिव रहे। और इसी में वो लेबलिंग भी देखते हैं कि उनके लेबल के ऊपर जो पैकेज का लेबल होएगा उसके ऊपर क्या क्या चीजें उनको प्रिंट करनी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें मैंडेट है। ये हो गया, ये भी हमने पढ़ रखा है। फिर क्या आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बाद, यहीं पे हमने ब्रांडिंग पे लिख दिया कि फिर वो देखते हैं कि उनके प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ब्रांड नेम में बेचना है या सिर्फ, अभी आप देखो तो मार्केट में आपको काफी तो जैसे अच्छी कंपनीज के भी मास्क मिलने लग गए हैं, जैसे एलन सोली के मास्क आ गए हैं, है ना, लुइस फिलिप के मास्क आ गए हैं, ये भी है, और कुछ तो सिर्फ फेस मास्क के नाम से ही बिके जा रहे हैं। तो बहुत कंपनीज ने ब्रांडिंग नहीं की, बहुत कंपनीज फेस मास्क के नाम से ही बेच रहे हैं, क्योंकि फेस मास्क तो एक ऐसी चीज है ना जो हर बंदा खरीद रहा है, एक रिक्शा वाला भी खरीद रहा है और एक अमीर बंदा भी खरीद रहा है, तो वो रिक्शा वाले को थोड़ा ना पता है ब्रांड्स के बारे में, तो उसके लिए तो सस्ता टिकाऊ फेस मास्क वही है बस, जो मास्क जैसा लगे। तो क्या एक मिनट खुलकर आपका सवाल लेता हूँ, वो ये डिसाइड करना है कि क्या हमें अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम में सेल करना है या उसको जेनरिक नेम में सेल करना है। हाँ जी बिल्कुल बोलिए। ग्रेडिंग एक बार तो आया था, कौन सा ग्रेडिंग? ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब हमें ये देखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी वेरिएंट्स आएगी, जैसे वेरिएंट्स कितने आएंगे, जैसे गाड़ी है, अब मारुति ये डिसाइड करता है कि मारुति के डिजायर मॉडल 3 वेरिएंट्स में निकलेगा, VXI, LXI, VXI, ZXI, LXI में ये फीचर्स रहेंगे, VXI में 2 फीचर्स और ऐड हो गए, और ZXI उनका टॉप मॉडल है जिसमें उन्होंने सारे ही लग्जरी फीचर्स डाल दिए। तो क्लासिफिकेशन ग्रेडिंग ये हो, ठीक है। पहले बताइए ये 6 फंक्शन समझ में आ गए सबको, ठीक है। अब हम अगले 6 करते हैं, इन 6 का एक स्लैंग बना हुआ वो भी बताऊंगा, अब अगले 6 करते हैं। तो देखो इसको एक साइकिल की तरह याद करोगे तो बड़ा इजीली याद हो जाएगा। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा हो गया 7th पॉइंट, ये एक्चुअली होना तो लास्ट में चाहिए था लेकिन नोट्स में इधर ही लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो हम यहीं पे याद करेंगे इसको। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, बेटा एक बार प्रोडक्ट बेच देने से, सिर्फ एक बार प्रोडक्ट बेच दिया तो मार्केटिंग खत्म नहीं होती, मार्केटिंग हमेशा चलती रहती है इवन आफ्टर द सेल ऑफ प्रोडक्ट। कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है कि कस्टमर को एक ग्रीवेंस सेल मिले। अब जैसे मान लो मैंने ड्यूरेबल खरीदा, मैंने एक एसी खरीदा किसी विजय सेल्स से, मान लो विजय सेल्स से, तो विजय सेल्स का एक साल बाद तक भी मेरे पास फोन आता है कि सर आपने पिछले साल इस डेट पे एसी खरीदा था, क्या वो सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने हिताची का खरीदा था तो आप हमें बताइए, हम हिताची से आपकी वो सर्विस करवाएंगे। अब इससे मेरे को इतना ट्रस्ट बन गया विजय सेल्स पे कि मैंने ये सोच लिया कि घर का कोई भी ड्यूरेबल लूंगा, चाहे वो टीवी होएगा, फ्रिज होएगा, कोई भी एसी ओवन कुछ भी होएगा, तो मैं विजय सेल्स से ही लूंगा क्योंकि वो बड़ी अच्छी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। दूसरा आप अमेजोन को देख लो, इतनी अच्छी कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, आप कोई चीज लेके आते हो अगर उस पर लिखा हुआ है रिटर्नेबल है वो, अगर तो लिखा हुआ है, और आपको वो चीज में कोई भी डिफेक्ट लगा छोटा मोटा भी, तो वो बिना कुछ पूछे आपसे आराम से प्रोडक्ट आपके घर से वापस ले जाते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब होता है कि सेल के बाद जो आपको कस्टमर को सर्विसेज देनी है जिससे कस्टमर को लगे कि हमने इस प्रोडक्ट को खरीद के, इस कंपनी से खरीद के या इस शॉप से खरीद के कोई गलती नहीं की,
हमें बेस्ट सर्विसेज मिल रही है। तो ये होता है कि बाय प्रोवाइडिंग एक आप देखते हो ना चिप्स के पैकेट के पीछे लिखा होता है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द दिस पैक ऑफ चिप्स यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का फंक्शन है। इसके बाद प्राइसिंग ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बोला था ये फंक्शन लास्ट में आना चाहिए कस्टमर सपोर्ट वाला, लेकिन यहाँ पे आ गया तो कोई बात नहीं, हमें यहीं पे याद करना है। प्राइसिंग हम कर चुके हैं, प्राइसिंग के 6 फैक्टर्स थे याद करिए वो हमें अच्छे से पता ही है। फिर आता है प्राइसिंग के बाद आ जाइए हमारा आता है प्रमोशन। प्रमोशन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रमोशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो कस्टमर को बताना कि हमारा प्रोडक्ट है क्या, और दूसरा उनको पर्सुएट करना कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। बेसिकली हम इसको 4 चीजों से करते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। फिर आता है प्रमोशन के बाद हमारा ये जो अभी टॉपिक है, जैसे हमने प्लेस अभी छोड़ रखा है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ये तीनों टॉपिक, स्टोरेज एंड वेयरहाउस। पहले बात करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयरहाउस और प्लेस, इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचे। इस पर हमें 2 डिसीजन लेने होते हैं। पहला अबाउट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने पढ़ लिया था कि हम अपने प्रोडक्ट को खुद सेल करेंगे या फिर हम इंटरमीडियरीज की सर्विसेज लेंगे लाइक रिटेलर्स, होलसेलर्स, एजेंट्स। और दूसरा होता है हमारा एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कि गुड्स मेरी दुकान से, मेरी फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचेगे कैसे ऑफ गुड्स। ये 2 डिसीजन हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट वी यूज that makes that facilitate the movement of goods between producer and customer. The mode of transport हम क्या use करेंगे, हम कैसे अपने goods को बेचेंगे। अब जैसे मैं आपको एक example देता हूँ, ये जो vaccines है, अब ये एक Covishield है, एक Covaxin, अब एक नई आने वाली है Sputnik। तो एक time तो बहुत देर तक तो ये दिक्कत रही, सोच ये plan नहीं कर पाए कि हम इन वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि शायद आपको पता हो जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड है उसमें से एक वैक्सीन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखना पड़ता है, बहुत बहुत कम। तो एक तो ये दिक्कत आई कि जो गांव है जहाँ पे रूरल एरियाज है जहाँ पे इतना अच्छा कोल्ड चेन की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीन से कोल्ड चेन फैसिलिटीज में ट्रांसपोर्ट होती है, तो हम उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक मार्केटिंग का फंक्शन है। एंड लास्टली स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग में बेसिकली हम क्या डिसाइड करते हैं कि देखो ऐसा तो है नहीं ना कि गुड्स एक ही बारी में, एक सेकंड, ऐसा तो है नहीं कि गुड्स जैसे बन रहे वैसे ही बिकते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। गुड्स बनते 12 के 12 महीने और बिकते वो एक पर्टिकुलर टाइम पे है, या प्रोडक्शन तो ज्यादा होती है डिमांड कम रहती है। तो जब वो गुड्स बन रहे हैं उनको कहाँ रखेंगे, उनको हम एक वेयर हाउसेस में रखते हैं। ये डिसाइड करना कि वेयर हाउसेस कितने होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का फंक्शन होता है। बट इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक ट्यूजडे को जब हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत आज बता दिया, ठीक है। हाँ जी बेटा, जैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस में नॉर्मली शॉप पे भी तो जाके ले सकते हैं, तो सीओडी और फिजिकल मूवमेंट जरूरी थोड़ी है। नहीं हाँ तो बिल्कुल ठीक है ना, सीओडी तो हुआ ना, सीओडी तो हुआ जो शॉप में बेचना है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में यही तो डिसाइड करते हैं। एक जीरो लेवल चैनल भी होता है। जीरो लेवल चैनल मतलब हम अपने गुड्स अपने आप ही बेच रहे, ठीक है ना। जीरो लेवल चैनल भी होता है। और आप सही कह रहे हो, एक बात बता, चल तू एप्पल के स्टोर पे गया और तूने एप्पल का आईफोन खरीद लिया, लेकिन स्टोर पे थोड़ी ना बनाया वो फोन तो बनाया वो चाइना में, चाइना से वो स्टोर तक भी तो पहुंचेगा एप्पल के, तो वो हो गई ना तेरी फिजिकल मूवमेंट, यस और नो। और फिजिकल मूवमेंट सिर्फ फिनिश गुड्स की नहीं होती, रॉ मटेरियल्स की भी तो होती है। जो फोन बन रहा है या जो कोई भी चीज बन रही है उसके लिए जितने रॉ मटेरियल यूज हुए वो भी तो अपनी अपनी फैक्ट्री तक लेके आने हैं, यस और नो। वो तो ट्रांसपोर्टेशन में होना चाहिए ना। हाँ तो ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ये जो है ना, ये जो है ना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन इसी का ही पार्ट है। ये ब्रॉड वाला है, इसी का ही डिटेल में है। जैसे अभी आप इस पेज पे देख, जैसे मैंने क्या बोला, पहले यहाँ पे प्लानिंग कर ली छोटी छोटी, फिर उसको डिटेल में किया, यस और नो। तो वैसे ही हमने पहले ये देख लिया इस फंक्शन में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि हम अपने गुड्स को कैसे बेचेंगे और ट्रांसपोर्टेशन क्या करेंगे, फिर डिटेल में ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है ना, ये इसी का पार्ट है, आपने बिल्कुल सही इसको पकड़ा। एंड स्टोरेज भी जब हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से,
स्टोरेज भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम इसके, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज, जो हम इसके नेक्स्ट वीक इसके केस स्टडीज भी करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज। कैसे होता है, इसमें एक पूरा बहुत बड़ा केस आ जाएगा और फिर बोलेंगे बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव केस आइडेंटिफाई द वेरियस मार्केटिंग फंक्शन। तो आपको बताना पड़ेगा किस लाइन से कौन सा फंक्शन लग रहा है। जो मेन फंक्शन होते हैं वो ये बहुत आते हैं, ये वाला जिसको मैं ये रेड मार्क लगा रहा हूँ, ये वाला। ऐसा करते हैं इसको ना थोड़ा ये करने से हार्ड लगा देते हैं, बोल के ये लगा दे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांच फंक्शंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो हमने आज पढ़े। अब ऐसा करते हैं, पहले हम इसका स्लैंग याद से इन फंक्शंस को याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इन छह का, पहले अब ये क्या होगा, पहले इन छह का स्लैंग बनाते हैं। एक दो तीन चार पांच छह, बड़ा ही प्यारा स्लैंग। ग्रैंड मस्ती एट पूल साइड, ग्रैंड मस्ती एट पूल साइड विद प्रिटी बिपाशा, ठीक है। ग्रैंड मस्ती एट पूल साइड विद प्रिटी बिपाशा। जल्दी से पहले तो ये, अच्छा ऐसा करते हैं पहले मैं दूसरे का भी लिख देता हूं, फिर आपको टाइम दूंगा याद करने का। इसका स्लैंग देखिए, सी टी 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 T and S. तो इसका स्लैंग देखिए, CP not place, K पानी पूरी, R too spicy, खड़े होते हैं ना वो, खाके देखो कभी, पानी पियोगे धुआं निकलेगा आंखों से और कान से। CP K पानी पूरी, R too spicy। चल अब ऐसा करते हैं, पहले हम याद करते हैं दोनों। तो पहले वाले पेज पे आ जाए, पहले ये वाले याद करो चाहिए, फिर रीड करेंगे। जानवी समझ आ रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर दूसरा वाला स्लैंग दिखा दो एक बार। जानवी जी क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? सर वो एक्चुअली ना यहाँ पे लाइट चली गई है तो आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है, बार बार कैमरा ऑन करने। लाइट चली गई है, कहाँ रहती हो, गाँव में आप? मैं लोक विहार में रहती हूँ। लोक विहार में रहते हो, तो लाइट इन्वर्टर नहीं है क्या? सर इन्वर्टर नहीं। अच्छा, मतलब आपको क्या मतलब हुआ क्या है, मतलब अब आपके तो पिछले से पिछले हफ्ते तबियत ठीक हो गई थी, फिर क्या हो गया एकदम से? सर मेरी तबियत तो ठीक हो गई थी लेकिन मेरे को उसके बाद ना बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी और बहुत ज्यादा फीवर भी आ रहा था। फीवर वापस आ रहा है आपको? यस सर, लेकिन सर टेस्ट तो नेगेटिव आ रहा है, फिर पता नहीं क्या हो गया। अच्छा तो नहीं, तो वो आपने वो करवाया अपना वो जो कौन सा टेस्ट, कोविड का करवाया है आपने और भी कराया है, वो ब्लड के भी कराया है? नहीं सर, सर अभी तो कोविड का ही कराया, बिकॉज़ वही पेन लग रहा था सबको। अच्छा, बट वो तो नेगेटिव आया। वो नेगेटिव आया, तो अभी क्या कह रहे डॉक्टर? सर अभी टेस्ट और लिखे हैं, बिकॉज़ अभी टाइफाइड वगैरह भी बहुत फैल रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसका उसका टेस्ट लिखा है। अच्छा, चलो बेटा थोड़ा ध्यान रखो, बहुत मतलब बहुत ज्यादा खराब टाइम चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए अपना। चलिए याद करिए, ठीक है, जितना आपको समझ आए वेदिका करो, कोई ज्यादा स्ट्रेन मत लेना, ठीक है। मैं आपको अलग से दे दूंगा क्लासेस, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करो। तो मैं वीडियोस देख के बाद में समझ लूंगी, जब नोट्स वगैरह होंगे मेरे पास। हाँ वीडियोस तो देख लेना, और अगर उसके बाद भी आपको कोई भी टॉपिक ना समझ आए तो मेरे से क्लास भी ले लेना, कोई नहीं, ज्यादा स्ट्रेन मत लेना, आराम से करो, बहुत टाइम है अभी। चलो बच्चे याद करो जल्दी से हेडिंग्स, पहले दोनों मतलब 12 के बाद हेडिंग्स याद करो, फिर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब वैसे भी आपकी आज की क्लास के बाद तो 5 days की छुट्टियां हो जाएगी, ज्यादा ही हो जाएगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, हाँ 5 days की छुट्टियां हो जाएगी, क्योंकि हम नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेगा। सर एक बार पीछे कर दो। हाँ जी बेटा, पीछे वाली स्लाइड। हाँ हाँ जल्दी से याद करिए,
हेडिंग्स सारी ये सारी तो क्यू में ही करनी है ना। हाँ क्यू में देखो ना, सीक्वेंस में हो भी जाएगी ना, स्लैंग भी सीक्वेंस में बना है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक दो ऊपर भी कर लेते हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हो गए गिरीश, याद हो गए हेडिंग्स? कर रहा हूं। करोगे जल्दी से करो। ओके अब आइए जल्दी से, एक बार मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपने को बताएंगे बिना देखे, बिल्कुल बिना देखे बताएंगे आप। ओके तो यहाँ आइए, बताइए, मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे, और मैं जौन सा पूछूंगा वो आप मेरे को बताएंगे। बताइए एम से कौन सा है? मार्केटिंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग मार्केट। अरे नहीं, एम से कौन सा है? एम से मार्केटिंग प्लानिंग। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग, सॉरी मार्केट, ठीक है। अब आ जाओ बी से कौन से? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एस से सेलिंग, नहीं नहीं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ग्रेड, ठीक है। और दूसरे एस से क्या है, याद करो? ओरिजिन वेयरहाउस। ओरिजिन वेयरहाउस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। टी से क्या है? कस्टमर सर्विस सपोर्ट सर्विस। अब देखो अब पी कितने हैं पहला तो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले आप प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे और डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फिर क्या करोगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग। फिर प्राइसिंग प्राइसिंग प्रमोशन प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस। अब आइए अपने नोट्स के पेज नंबर 5 पे आइए। पेज नंबर 5 पे आ जाइए। इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, लिखिए उस पे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। आइए मार्केटिंग इस ये स्लैम लिख लीजिए, पहले 6 का और नेक्स्ट 6 का लिख लीजिए स्लैम। और इसमें ना इंपॉर्टेंट मार्क करिए, फर्स्ट 4 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, गैदरिंग वाला पहले 4 को मार्क करिए, और मार्क करिए इसको 7th को, कस्टमर सपोर्ट सर्विस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। पढ़ेंगे हम सारे, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं है, कंटेंट कमी है। सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केट ईयर इज टू गैदर एंड एनालाइज मार्केट इन्फॉर्मेशन। देखो हेडिंग ही वापस लिख दी, कुछ है ही नहीं, हेडिंग ही वापस लिख दी। दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, अंडरलाइन करिए, गैदर एंड एनालाइज मार्केट इन्फॉर्मेशन। दिस हेल्प्स टू एनालाइज आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड टेक वेरियस एक्शंस फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो अंडरलाइन करिए आइडेंटिफाई द नीड्स एंड अंडरलाइन करिए सक्सेसफुल मार्केटिंग। फर्स्ट लाइन में गैदर एंड एनालाइज मार्केट इन्फॉर्मेशन। चलिए सेकंड पे आइए, मार्केटिंग प्लानिंग। अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और एरिया ऑफ वर्क ऑफ अ मार्केटियर इज टू डेवलप एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान। अंडरलाइन करिए डेवलप एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। थर्ड, product designing. The design of the product contributes to the attractiveness of the product. Underline the term attractiveness of the product. A good design can improve the performance of a product and give it a competitive advantage. So underline kariye competitive advantage. Fourth, इसमें दो one markers बनते हैं, एक standardization की definition भी one marker में आती है, grading की भी। तो पहले standardization की highlight करिए पूरी definition। It refers to producing goods of predetermined specifications, which help in achieving uniformity and consistency. मतलब आप ऐसे products बनाइए जिनका एक standard हो, जिनका एक predetermined standard हो, उससे नीचे कभी नहीं जाएगी आपकी quality. So it means it refers to producing goods and goods of predetermined specifications, which helps in achieving consistency. Standardization reduces the need for testing evaluation again and again. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप एक पर्टिकुलर कंपनी की चीज लाते हो, आपको लगता है बहुत अच्छी चीज है, तो आप बार बार उसकी चीज लेके आते हो, आप बार बार चेक नहीं करते हो कि वो ठीक निकलेगी कि नहीं। वो आपको पता है ठीक निकलेगी, क्योंकि आपको पता है कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। हम हल्दीराम पे जाते हैं, हल्दीराम का खाना खाते हुए हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है हल्दीराम का खाने में कभी भी वो खराब नहीं हो सकता। लेकिन आप एक लोकल घर के बाहर एक छोटा सा कोई बैठा हुआ है, वहां से भटूरे खाते हो, छोले भटूरे, तो आप देखोगे भाई उसका फ्रेश है सामान की नहीं है, क्योंकि आपको डर है कि वो खराब चीजें यूज कर सकता है। अब आइए ग्रेडिंग।
ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक ना यहाँ पे वन मार्कर एक और लिखे व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन तो इसका आंसर बन जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प्स इन अचीविंग एक वन मार्कर आंसर लिख लीजिए बच्चों प्लीज व्हाट इज यहीं पे लिखो क्वेश्चन सर हाँ जी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट is to achieve uniformity and consistency in the output which reduces the need for inspection testing and evaluating the products which reduces the need for inspection testing and evaluating the products okay अब ग्रेडिंग की डेफिनेशन मार्क करते हैं ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अंडरलाइन करिए पूरा हाईलाइट करिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी साइज एक्सेट्रा जैसे होता है ना मैंने अभी आपको सैनिटाइजर का एग्जांपल दिया 300 ml 500 ml एक्सेट्रा 30 ml 60 ml 90 ml है फुल के ठीक है और ग्रेडिंग और दूसरा क्या हो सकता है कि फ्रेग्रेंस रोज मोगरा ये जैस्मिन तो ये क्या हो गया हमारा आगे चलते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग पैकेजिंग टेस्टिंग वो बता दो टेस्टिंग आगे टेस्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ द प्रोडक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द पैकेज पता है हमें लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल ये भी हमें पता है पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन बट इट ऑल्सो एक्ट एज अ प्रमोशनल टूल ये भी हमें पता है हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं तो इस पे अंडरलाइन करिए एक्ट्स एज अ प्रमोशनल टूल ठीक है अंडरलाइन करिए डिजाइनिंग द लेबल एंड डिजाइनिंग द पैकेज ठीक है अब आइए ब्रांडिंग हम पढ़ चुके हैं पहले एन इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर मार्केटियर ऑफ मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज टू डिसाइड वेदर टू सेल द प्रोडक्ट इन जेनरिक नेम जेनरिक का मतलब अंडरलाइन करिए जेनरिक और टू सेल देम इन ब्रांड नेम अंडरलाइन करिए ब्रांड नेम Brand helps in creating product differentiation. Highlight करिए product differentiation. Okay, customer support service बहुत important है. A very important function of marketing management relates to developing customer support services. Underline करिए customer support services such as after sales services, handling consumer complaints and adjustments. Adjustment का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप एक चीज लिया है, वो आपको refund करनी है. तो उन्होंने क्या कहा कि हम आपको पैसे तो नहीं देंगे हम आपका एक कूपन बना देते हैं वाउचर बना देते हैं अगली बार आप इसको आके जब आप कोई चीज लोगे तो आप उससे इसको क्या कर सकते हो एडजस्ट कर सकते हो तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट होता है ना कभी कभी स्टोर्स में होता है आप बड़े स्टोर्स में जाते हो बिग बाजार मतलब वो कहते हैं पैसे नहीं वापस करेंगे हम वाउचर बना देते हैं प्राइसिंग हमें पता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट Price is an important factor affecting the success or failure of the product. ठीक है हमें पता है. Promotion it refers to informing the customer about the availability of the product and about the product, its features and persuading them. Underline करिए informing the customers and underline करिए persuading them. Physical distribution the two major decisions to be taken are deciding about the channels. Underline करिए channels and physical movement of the product from where it is produced to where it is required underline the physical movement transportation it involves physical movement ab dekho ye transportation dekho pulkit ka jo question tha upar physical movement hai na usi ko transportation kehte hain to ab detail mein baat kar rahe hain theek hai na wahi cheez aa rahi hai it refers to physical movement of goods from one place to another generally the users as of the products are widespread and are separated from different शिमला में हिमाचल में और चाहिए वो पूरी इंडिया में ठीक है अब आज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग
usually there is a time gap between the production of and or procurement of goods and their sale. In order to maintain smooth flow of products, there is a need for proper storage of products and need for storage of adequate stocks against unavoidable delays. So, matlab hum warehouses kyun banate hain? Jaise abhi ka example de lo, vaccines banne se pehle इन्होंने इतनी पहले बना के रख ली थी क्योंकि यार ये थोड़ी ना कि जैसे जैसे बनती रहेगी वैसे वैसे लगती रहेगी, नहीं, वो पहले तो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा एडुकेट कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को कवर कर सके, सारी मेडिसिन रेमडेसिविर जो भी मेडिसिन है उनको पहले स्टॉक रखना पड़ेगा कि उसकी अनफोर्सीन नीड एकदम से बहुत नीड आ जाए। अब आप दिक्कत क्यों हो रही है कि मैं इतनी वो है ही नहीं मेडिसिन जो हम उसको ट्रीट कर सके, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमारे पास एडुकेट स्टॉक होता तो हमें आज ये दिक्कत ही नहीं आती। ठीक है बच्चों, फंक्शन सारे समझ में आ गए। अब आइए एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन और है उसके बाद हमारे सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। आइए फर्स्ट पेज पे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, अभी हमने पढ़े फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। और जो पुलकित ने पूछा था कल नीड एंड वांट का सर डिफरेंस क्या होता है वो हम आज करेंगे। तो समझिएगा बच्चों, बार बार पहले दिन से, आज हमारी शायद छठी सातवीं क्लास है मार्केटिंग की, पहले दिन से हम बात करने जा रहे हैं नीड एंड वॉन्ट। सर अब ये नीड एंड वॉन्ट है क्या ये बताओ, तो इसको अलग अलग कर, नीड को अलग कर दो, बॉन्ड को अलग कर दो। पहले नीड की बात करते हैं, नीड क्या होता है कौन बताएगा? ग्रीश ट्राई करेगा, तेरे हिसाब से नीड क्या होती है? जो भी जो चाहिए हो, कुछ चाहिए, जरूरी काम के लिए चाहिए है, जिसको किस लिए चाहिए, जरूरी काम के लिए या नीड, मतलब कोई जैसे टूथपेस्ट हो गया, आपको चाहिए ही चाहिए, वो नीड है। नीड का मतलब ये होता है कि कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए आपको कोई चीज प्रोडक्ट चाहिए, वो आपकी नीड है। हमेशा ध्यान रखना कि नीड कभी भी प्रोडक्ट मतलब कंपनी स्पेसिफिक नहीं होती। भूख लग रही है आपको, आपको खाना चाहिए, ये आपकी नीड है। देखिए अगर बोलो कि मेरे को हल्दीराम का छोले भटूरे खाने हैं या मुझे डोमिनोज का पिज्जा खाना है, वो नीड नहीं है, वो वॉन्ट है। नीड हमेशा बेसिक होती है। आपको कपड़े चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कम कपड़े हैं, आपको कपड़े चाहिए नीड है। ये नहीं कि आपको शॉपर्स स्टॉप का या आपको लिवाइस की जीन्स चाहिए, वो आपकी नीड नहीं है, वांट है। तो अब वांट की बात करें तो नीड क्या होता है? नीड होती है इट, ये देखना मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, यहाँ देखना नीड क्या है। इट इज अ स्टेट ऑफ, नीड एक मेंटल स्टेट है, इट इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन। फेल्ट डेप्रीवेशन का क्या मतलब हुआ? आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई तो कमी है, और अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज से वंचित हो, फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। एंड इट्स अनसेटिस्फाइड, इट विल कीप अ पर्सन अनहैप्पी। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होगी तो एक पर्सन अनहैप्पी रहेगा। अब बात करते हैं वॉन्ट की। मैं यहाँ भारत का नक्शा बनाता हूँ, थोड़ा सा ना मेरा ये ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है। अब इमेजिन कर लो, भूख लग रही है चार लोगों को, एक यहाँ पे कोई बैठा है उसको भूख लग रही है, एक यहाँ कोई बैठा है उसको भूख लग रही है, एक कोई यहाँ बैठा है उसको भूख लग रही है, और एक कोई चलो यहीं पैसे ले लेते हैं, और एक कोई यहाँ बैठा है महाराष्ट्र के पास, उसको भूख लग रही है। ये है हमारी दिल्ली, ये महाराष्ट्र हो गया, ये हो गया सिक्किम वगैरह, और ये हो गया हमारे नीचे कोलकाता। ये क्या यहाँ पे क्या है नहीं पता है, साउथ कहते थे, ठीक है, साउथ। अरे कौन सी होती है यहाँ पे दो, केरला का कहते हैं, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। अब एक बात बताओ जानवी, अगर दिल्ली के एक इंसान को भूख लग रही है तो वो क्या खाना पसंद करेगा बताओ? नॉर्थ इंडियन में जैसे छोले भटूरा टाइप समथिंग है ना, ठीक है, तो छोले भटूरा। अगर महाराष्ट्र के किसी आदमी को भूख लग रही है तो वो क्या खाना पसंद करेगा भाई बताओ? सोच के बताओ। बड़ा पाव हो गया, पाव भाजी हो गई, है ना, यही चीज हो गई। अगर साउथ के किसी बंदे को भूख लग रही है वो क्या खाना पसंद करेगा? इडली सांभर। और अगर किसी बंदे को इडली सांभर, अगर किसी को यहाँ पे भूख लग रही है सिक्किम वगैरह में, तो उनके लिए फेवरेट फूड क्या है? मोमोस है, ऐसे जो उनके अलग अलग से अजीब से फूड होते हैं। अब एक बात देखो, ये चारों ही खाने का एक ही नीड पूरी रहे, हंगरी, जो हंगर है, नीड एक ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बॉन्ड चार अलग अलग हो गए। और वॉन्ट की जब हम बात करें तो वॉन्ट में क्या मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कल्चर ही तो बताता है कि हमें छोले, मतलब हमारा कल्चर है छोले भटूरे खाने का, हमारा कल्चर है ये। एक और एग्जांपल से देखते हैं,
कपड़े चाहिए जैसे अगर आप ये बात बताओ कि दिल्ली का इंसान है या पंजाब दिल्ली का इंसान है वो क्या कपड़े पहनना पसंद करेगा, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स वगैरह, ठीक है। अब अगर हम साउथ की बात करें तो उसके लिए कपड़े क्या हो गए, लुंगी, ठीक है। अगर आप कश्मीर की बात करो तो याद करो वो भाई बजरंग की भाईजान मूवी देखी थी तो कश्मीर में क्या कपड़े होते हैं, वो एक कोट सा होता है, ओवर कोट सा पहन लेते हैं लड़के भी लड़कियां भी, तो वो ओवर कोट सा हो गया, क्या कहते हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम होता होगा मुझे नहीं पता, वो पूरा बड़ा सा कुछ कोट सा होता है उनका, तो वो हो गया। तो नीड एक ही थी कि इनको क्लोथ्स चाहिए, लेकिन बॉन्ड्स अलग हो गई, और बॉन्ड्स किसके किसकी वजह से इफेक्ट हुई, कल्चर की वजह से, क्योंकि कल्चर है इनका इस तरीके के कपड़े पहनने का, कल्चर है इनका इस तरीके के कपड़े पहनने का। तो क्या मैं कह सकता हूँ बॉन्ड्स आर कल्चरली डिफाइंड प्रोडक्ट्स, कल्चरली डिफाइंड प्रोडक्ट्स, बॉन्ड्स आर कल्चरली डिफाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर्स ऑफ नीड्स, दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर्स ऑफ नीड्स, इनसे नीड्स सेटिस्फाई होती है हमारी, सेटिस्फायर्स ऑफ नीड्स, ठीक है। अब आपको नीड और वांट पर फर्क समझ में आया पुलकित, नीड क्या है वांट क्या है, नीड होती है बेसिक, वांट होती है स्पेसिफिक, ठीक है। और मार्केटियर का काम होता है कि वो अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझे और प्रोडक्ट्स बनाए जो उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो पहला फीचर क्या हो गया हमारा, पहला फीचर हो गया, एक सेकेंड, पहला फीचर हो गया हमारा नीड्स एंड वांट्स। हाँ जी बोलिए, पीछे पीछे डेफिनेशन में क्या लिखा था यहाँ पे, being deprived of something, being deprived of something, कर लूँ हाँ पैसे लिखा हुआ है लेकिन करना चाहते हो कर लो, हो गया सर। ओके, अब पहला फीचर तो हमारा ये भी हो गया, नीड्स एंड वांट्स, एक मार्केटियर को नीड्स एंड वांट्स समझनी होती है और इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना होता है। अब जब मैंने नीड्स एंड वांट्स को समझ लिया तो उसके बाद क्या है, मुझे पूरा एक पैकेज देना है कस्टमर्स को, राइट, जो अभी हमने उसको भी पढ़ा था फंक्शंस में भी। तो नेक्स्ट फीचर क्या हो गया, ये फीचर है हमारा क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग मतलब क्या हो गया, आप ये सोचोगे कि हमारा पूरा पैकेज क्या बनेगा, प्रोडक्ट अच्छा, प्राइस अच्छा, प्लेस अच्छा, वो हमारा पूरा पैकेज क्या होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या ब्रांड नेम होना चाहिए, क्या हमारा पैकेजिंग का होना चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है ये। अब हम सबको पता है कि एक कस्टमर तभी चीज को खरीदेगा जब उसको लगेगा कि उसको क्या मिल रही है, उसको मिल रही है हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी। तो एक मार्केटियर को ये देखना है कि उसके प्रोडक्ट्स कस्टमर को हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, क्या उसके प्रोडक्ट में इतने फीचर्स हैं जो उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं, क्या उसका प्रोडक्ट ओवर प्राइस तो नहीं है, क्या उसका प्रोडक्ट अंडर प्राइस तो नहीं है, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। एंड लास्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लास्ट लिखने जा रहा हूँ, लास्ट क्या है हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी मार्केटिंग का फंक्शन तब खत्म होता है जब एक्सचेंज कंप्लीट हो जाए। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब होता है प्रोडक्ट मार्केटियर से कस्टमर तक पहुंच जाए, कस्टमर से पैसा या कुछ भी चीज मार्केटियर तक पहुंच जाए। अब किसी भी एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए 5 चीजों का होना कंपलसरी होता है, किसी भी एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए 5 चीजों का होना कंपलसरी होता है। वो क्या क्या होती है सबसे पहले देखते हैं, बताइए 5, आप सोच के बताओ क्या चीजें होनी चाहिए एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए, पहली चीज क्या होनी चाहिए बताओ, मिनिमम 2 लोग, हाँ मिनिमम 2 पीपल, एक बायर एंड एक सेलर, मिनिमम ज्यादा भी हो सकते हैं, बायर ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लोग तो होने ही होने चाहिए। दूसरा, दोनों के पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए, जिसकी दूसरे के मन में वैल्यू हो। जैसे मान लीजिए आपके लिए अभी मेरे नोट्स, मेरी क्लासेस की वैल्यू है और मेरे लिए आपके आपसे जो फीस मिलेगी उसकी वैल्यू है, तो बोथ, ये बार्टर सिस्टम में भी हो सकता था। अब आप ज्वेलर के पास जाते हो तो उधर से आप गोल्ड लेते हो, तो कोई सेट लेते हो, कोई चेन लेते हो, तो आपको वो अच्छी लगती है, और मान लो आप अपना पुराना गोल्ड उसको दे देते हो तो ज्वेलर के लिए उसकी बहुत वैल्यू है। तो दोनों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी दूसरे बंदे के लिए वैल्यू हो। बोथ शुड हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय अदर, बोथ शुड हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय अदर,
ठीक है ना, समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय अदर। आगे चलते हैं, तीसरा क्या है कि दोनों के पास कम्युनिकेट करने का मींस होना चाहिए। और कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं होता कि मिलके ही कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट का मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इंटरनेट हो सकता है, स्काइप हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करो, बट एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का मींस होना चाहिए और डिलीवर करने का। अब जैसे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो तो हम अमेजोन से बात करते हैं किसके थ्रू, ऑनलाइन, और फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं कोरियर के थ्रू हमारे पास आ जाता है। तो बोथ शुड हैव मींस, बोथ शुड हैव means to communicate and deliver. Both should have means to communicate and deliver. Okay. अब ये marketing पढ़ रहे हैं हम marketing पढ़ रहे हैं। तो marketing में क्या होता है, जबरदस्ती नहीं होती, जबरदस्ती नहीं होती। आप चाहो तो accept कर सकते हो offer, आप चाहो तो नहीं कर सकते। तो free to accept or reject the offer. एंड लास्टली दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए विलिंग है, विलिंग टू ट्रांजैक्ट बिजनेस विद ईच अदर, विलिंग टू ट्रांजैक्ट बिजनेस विद ईच अदर। तो किसी भी एक्सचेंज को पूरा करने के लिए ये पांच चीजों का होना कंपलसरी होता है। आइए बात समझ में आ गई सारी। अब देखो बच्चों, हमने ये चार फीचर्स लिखे, ठीक है, इसका एक छोटा सा स्लैंग, बहुत ही सिंपल कुछ है ही नहीं। नेशनल, मैं ना दो लिखूंगा इसके, पहला तो नेशनल एग कॉर्पोरेशन कमिटी, ये तो अच्छा स्लैंग है ना, मतलब डिसेंट है। एक और लिखूंगा नरगिस, आपको तो जो अच्छा लगे वो लिख लेना। नरगिस इज एक्सट्रीमली क्यूट चिक, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लो, पुलकित तो यही लिखेगा, है ना। चलो जल्दी से याद करिए हेडिंग्स, फिर इसको रीड करते हैं, जल्दी से हेडिंग्स आते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको हमारे 10 मिनट का कम बचेगा, चार क्वेश्चन से छोटे छोटे वन वन लाइन। ध्यान भी समझ आ रहा है, आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। याद करिए जल्दी से हेडिंग्स। ठीक है, आइए तो अब हम आ जाइए पेज नंबर वन पे, आइए अपने नोट्स के, वहां पे भी स्लैंग लिख लीजिए एक बार। ओके, टू पेज पे आइए, नीड एंड वांट। पहले नीड की डेफिनेशन, फिर वांट की डेफिनेशन मार्क करेंगे। नीड की डेफिनेशन मार्क करते हैं, पहले शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। तो नीड की डेफिनेशन मार्क करते हैं, हाईलाइट करिए, वन मार्क का क्वेश्चन आता है। इट इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन, कमी, और फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। इफ अनसेटिस्फाइड इट विल लीव अ पर्सन अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल। Needs are basic to human beings, underline kariye basic, and they do not pertain to a particular product. वो कभी भी ये नहीं हो सकती, आप कभी ये नहीं कह सकते कि आपका need है हल्दीराम का ये खाना, आपका need है iPhone, नहीं, ये need नहीं है, ये आपकी want है। Wants are, अब wants को highlight करिए, they are culturally defined objects that are potential satisfiers of needs. Highlight करिए, marketer's job is to identify the needs of the customers and develop products and service to satisfy such needs. Creating a market offering. Market offering refers to complete offer for a product having given features like size, quality, taste. ये हमारी product की बात हो गई. At certain price. ये हमारी बात हो गई pricing की. Available at given outlet. ये हमारी बात हो गई place की. And promotion का हमने etc. में लिख दिया. And promotion. etc. में ही आ गया सब कुछ. And promoted through right. मीडियम्स ऑफ प्रमोशन। बेटा कस्टमर वैल्यू जो है ना, इसमें लाइन एक ना इंग्लिश की लाइन बहुत मुश्किल बना रखी है। वैसे हिंदी में क्या कह रहे हैं कि एक कस्टमर तभी एक प्रोडक्ट को खरीदेगा जब उसको लगेगा कि उसको हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। इकोनॉमिक्स का रूल है आपका। अब इसको इंग्लिश में देखो किस तरीके से लिखा है, लाइन को समझना और हाईलाइट करना। द बायर्स विल मेक देयर बाइंग डिसीजन ऑन देयर परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या होता है, सोच, ऑन देयर परसेप्शन
of the value of product or service in satisfying their need in comparison to cost. मतलब क्या कह रहा है कि आप कोई भी जो प्रोडक्ट लेते हो तो आप अपने मन में एक वैल्यू करते हो उसकी, कि यार मैं इस प्रोडक्ट के लिए 5000 रुपए दे रहा हूँ, क्या मुझे 5000 का बेनिफिट मिलेगा? मैं इस प्रोडक्ट के लिए 10000 रुपए दे रहा हूँ, क्या मुझे 10000 का बेनिफिट मिलेगा? अगर आपका आंसर यस आता है तभी आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, अगर आपको लगेगा नहीं मेरे को नहीं मिलेगा बेनिफिट तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे. तो इस लाइन को समझते हैं, द बायर्स मेक देयर बाइंग डिसीजन ऑन देयर परसेप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन सैटिस्फाइंग देयर नीड इन कंपैरिजन टू इट्स कॉस्ट. अ प्रोडक्ट विल बी बॉट ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू बी गिविंग हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी. मतलब एक प्रोडक्ट तभी खरीदा जाएगा जब कस्टमर को लगेगा कि हाँ उसको हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल रही है. ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं. थोड़ी है, इक्वल भी तो हाँ, इक्वल या ज्यादा, मतलब मिनिमम उतनी मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा मिलनी चाहिए, बस वही हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी वही. ओके, आइए एक्सचेंज मैकेनिज्म. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म. अंडरलाइन करिए एक्सचेंज मैकेनिज्म. द इंडिविजुअल ऑब्टेन्स व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज रेफर्स टू, यहां से हाईलाइट करिए डेफिनेशन. एक्सचेंज रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर पार्टीज, अंडरलाइन करिए, come together to obtain a desired product or service from someone offering the same by giving something in return. So, मतलब आप दो पार्टी, दो या ज्यादा लोग आते हैं, मिलते हैं और वो पाते हैं जो उनको चाहिए कुछ बदले में देके. वो पैसा भी हो सकता है, वो बार्टर सिस्टम में, जैसे अभी कहा हमने कि गोल्ड के बदले आप ओल्ड गोल्ड भी दे सकते हो, कुछ भी हो सकता है. ये पूरी डेफिनेशन अंडरलाइन की. फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. इसके मेन मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, जैसे पहला at least two parties, dusra both parties must have something viewed valuable, underline kare something viewed valuable, teesra they have the ability to communicate and deliver, underline kare communicate and deliver, ability to communicate and deliver, fourth free to accept or reject, and fifth they should be willing to enter into a transaction. bataiye yahan tak samajh mein aa gaya? badhiya se, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब हम वन मार्कर्स अपने करते हैं. पहला सवाल तो ये उठता है कि किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है, कौन बताएगा? क्या सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो सकती है, क्या सिर्फ टेंजिबल आइटम्स की मार्केटिंग हो सकती है, क्या सिर्फ इंटेंजिबल आइटम्स की मार्केटिंग हो सकती है? गिरीश, किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है बता, सोच के बता. टेंजिबल एसेट्स की. टेंजिबल, अच्छा, इसका मतलब सर्विस की नहीं हो सकती ना मार्केटिंग, मतलब मेरी मार्केटिंग नहीं हो सकती. हो सकती है, दोनों ही होती है. क्या प्लेस की मार्केटिंग हो सकती है? प्लेस की, यस सर, हो सकती है. क्या इंसान की मार्केटिंग हो सकती है? हो सकती है. क्या आइडिया की मार्केटिंग हो सकती है? आइडिया की, हो सकती है. यूनिट प्लाज्मा, ये आइडिया है या वो हम दो हमारे दो है कि नहीं? ये भी तो आइडिया है. कुछ लोग कहते हैं हम दो हमारे गिन लो है, लेकिन ये नहीं, हम दो हमारे दो. इसका मतलब कोई भी वो चीज जिससे किसी की नीड या वांट सेटिस्फाई हो सकती है उसकी मार्केटिंग की जा सकती है. वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, सॉरी प्लेस भी हो सकता है, वो आइडिया भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकती है, और वो कोई ना कोई इंसान भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है. तो आइए एक वन मार्क का छोटा सा क्वेश्चन इसी के नीचे, व्हाट कैन बी मार्केटेड. आइए फीचर्स के नीचे आइए, पेज नंबर 2 पे, व्हाट कैन बी मार्केटेड. हाजी, अब इट इन्वॉल्व्स द आंसर, रीड करो पुलकित. It involves the answer to the question that whether it is a product or a service or something else that can be marketed. So product is a bundle of utilities. ठीक है, product is a bundle of utilities or source of satisfaction. ये हमने पहले भी पढ़ी थी definition. Product में definition पढ़ी थी, याद होगा? Yes, sir, पढ़ी. हाँ. So it is a product is a bundle of utilities or source of satisfaction that can be used to satisfy the human needs and wants. It is not confined. So ये सिर्फ ये read करने हैं. It is not confined to physical objects such as motorcycle, biscuits, etc. In other, but also refers to other things such as idea, places, etc. Next line पे आइए. Underline करिए. Anything that can be of value to the buyer can be termed as product. Anything that can be of value to the buyer can be termed as product. It can be tangible like pencil, etc. Or intangible like services of lawyer, doctor, etc. Apart from a product, what can be marketing is a service or a person or an idea or place. बेटा सबके एग्जाम्पल लिख लो. प्रोडक्ट के एग्जाम्पल लिख लो पेन. प्रोडक्ट के नीचे लिख लो पेन. सर्विस के नीचे लिख लो लॉयर. लॉयर
पर्सन के नीचे लिख लो मिनिस्टर्स मोदी जी, लिख रहे गिरीश? आइडिया के नीचे लिखो डोनेट ब्लड, डोनेट आईज, डोनेट प्लाज्मा, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हम दो हमारे दो है? और प्लेस के नीचे लिख लो दिल्ली टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म, महाराष्ट्र टूरिज्म, हाईलैंड टूरिज्म। वो ये प्रोडक्ट की दूसरी डेफिनेशन होगी ना, एनीथिंग दैट। हां दूसरी डेफिनेशन, बिल्कुल सही दूसरी डेफिनेशन। ओके अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्केटियर है कौन भाई, ये नहीं समझ आया सब कुछ, मार्केटिंग का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूछ रहे राम कौन है, लक्ष्मण सीता कौन है, तो मार्केटियर कौन है ये बताइए, कौन बताएगा कि मार्केटियर कौन, बताओ। प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोवाइड कर, बेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म में दो ही लोग होते हैं, कौन कौन अभी पढ़ा, कौन कौन होते हैं, एक बायर और एक सेलर। बहुत अच्छा आंसर बोल के इतने दिया कि कौन है मार्केटियर, जो प्रोवाइड कर, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं, मार्केटियर वो बंदा होता है जो कि मोर एक्टिव होता है इस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज पे, जो मोर एक्टिव। जनरली कौन होता है, सेलर होता है, क्योंकि वो पता लगाता है, याद करिए कल की क्लास, वो पता लगाता है मेरे टारगेट कस्टमर कौन है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी वॉन्ट्स क्या है, मैं अपना प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसको सेल करता है, फिर प्रॉफिट कमाता है, तो जनरली ये ही होता है। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ प्रोडक्ट के केसेस में बायर ज्यादा एक्टिव होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी इंडिया ने ये वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर, तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बस ये इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर कर दी कि हमारे पास इतनी कोवैक्सीन है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं किया मोदी ने, जो दूसरी कंट्रीज है, यूएस हो गया, यूके हो गया, सब कंट्रीज इनको फोन कर करके पूछ रही है प्लीज हमें दे दो, प्लीज हमें इतनी मेडिसिन दे दो, प्लीज हमें इतनी वो दे दो, प्लीज हमें इतनी दे दो। तो यहाँ पे ज्यादा एक्टिव कौन है, मेरे को बताइए, इस केस में ज्यादा एक्टिव कौन हो गया, बायर की सेलर? बायर्स हो गया, क्योंकि ये चीज क्या है, ये है रेयर सप्लाई, ये बोला था कि कोवैक्सीन अपने लोगों के लिए रखी नहीं इतनी, लेकिन वो भी जरूरी है। अब आज उन्होंने ये दिया तो आज हमें ऑक्सीजन भी तो मिल रहा है दुबई से, एक्सेट्रा से, जब हम उनको अपना हेल्पिंग हैंड देंगे तो वो भी हमें हेल्पिंग हैंड देंगे, तो ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्रीज के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाना, तो ठीक है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जनरली कौन होता है मार्केटियर, मार्केटियर होता है वो पर्सन जो मोर एक्टिव होता है, जनरली सेलर होता है, लेकिन इन द केस ऑफ गुड्स विच हैव रेयर सप्लाई, जिनकी सप्लाई कम है, बायर बिकम द मार्केट। समझ में आया आंसर, तीन लाइनों में लिखेंगे इसको, पहले लाइन लिखेंगे द पर्सन हु इज मोर एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज द मार्केटियर, सेकेंड लाइन जनरली द सेलर इज द मार्केटियर बिकॉज ही इज मोर एक्टिव, ही टेक्स he decides the his customer, he identify their needs, they develop the product, etc. But in the case of products which have rare supply, the buyer becomes more active and therefore buyer is the market. Aye, who is a marketer? Page number 2. Marketer refers to any person who takes more active role in the process of exchange. Underline kariye more active role. Generally, normally it is the seller who is more active in the process of exchange. Underline kariye normally seller. As he or she analyzes the needs of the potential buyers, develop the market offering and persuades to buy the product. However, there may be situation where buyers take more active role in the process of exchange. This generally happens in case of goods with rare supply. आप अभी अपने समझने के लिए लिख सकते हो like COVID vaccinations. Okay. अब आइए बच्चों, marketing हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया। अब सेलिंग एक वर्ड है जो हमने फर्स्ट क्लास में यूज किया था कि कुछ लोग मार्केटिंग को सेलिंग से कंफ्यूज करते हैं, तो कोई मेरे को बता सकता है एक लाइन में या अपने हिसाब से कि सेलिंग का क्या मतलब होता है, कोई मेरे को बता सकता है कि सेलिंग का क्या मतलब होता है, और हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है तो आपको इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो कोई कौन बताएगा सेलिंग क्या, हिंदी में बताओ, अपनी लैंग्वेज में बताओ सेलिंग सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या क्या क्या, फिर से बोल, फिर से बोल सर, aggressive selling and promotion of the product. Selling का ही मतलब हुआ कि कैसे भी product को बस बेचना है ना, चाहे customer को चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इसकी definition को मैं पांच, बहुत बड़ी है, मैं पांच लाइनों में याद कराऊंगा आपको। Selling यहाँ देखेगा, यहाँ देखना, is the process
which is used to satisfy the needs of the sellers, which is used to satisfy the needs of the sellers. Who attempts to sell, जो भी है वो बेचना है. Who attempts to sell whatever he has, what he has, ये बिना सोचे कि कस्टमर को चाहिए वो या नहीं, without understanding, without considering the buyer's needs, without considering, एक मिनट यस व्हाट इज इट कॉल्ड, without considering the buyer's needs. और एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक ऐसी चीज बेचूंगा जो आपको चाहिए ही नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को आपके साथ थोड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी. By undertaking aggressive promotion efforts like persuasion, pressure, etc. In order to earn profits through increased sales value. मतलब सेल्स बढ़ा के प्रॉफिट करना है, कस्टमर की कोई नीड्स का हमें नहीं चिंता करना, इंक्रीज सेल्स बैक. तो देखो बच्चों, डेफिनेशन है थोड़ी सी बड़ी, है ना, आपको पता ही कि जब भी डेफिनेशन बड़ी होती है तो हम उसको तोड़ के याद करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो देखते जल्दी से याद करने की कोशिश करिए, तोड़ के याद करेगा और इसको लिखेंगे भी तोड़ के. आइए पहले याद करते हैं, सेलिंग इज द प्रोसेस विच इज यूज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सेलर्स. Who attempts to sell whatever he has, जो है बेचना है, without considering to the buyer's needs, कि तुम्हें चाहिए भी कि नहीं. By undertaking aggressive promotion to earn profits to increase sales volume, या फिर वह. जल्दी से याद करो बच्चों, बस थोड़ा सा ही बचा है, 5-10 minutes का. हो गया, जल्दी से याद करिए. एक बार ना थ्री नंबर पेज पे जहां आपकी सेलिंग की डेफिनेशन दे रखी है, वहां पे ना इसको 5 लाइनों में छोटा छोटा करके ऊपर ही लिख लो, या नीचे जगह है तो नीचे लिख लीजिए, ऐसे जैसे मैंने लिखी है, 5 लाइनों. बताइए, मैं से पूछ लो गिरीश, तो जो जो समझ में आया. लर्न कर रहा हूं. लर्न कर रहा हूं. जानवी याद कर रहे हो? हां जी सर. पूछो क्या, हो गई याद? नहीं सर, एक मिनट. हाँ करिए.
हो गया बच्चों? हाँ जी सर। चलिए तो एक बार ज्यादा सब बोलेंगे, तीनों चार वेदिका अगर आप भी ट्राई करना चाहो तो आप भी बोलेंगे, ज्यादा सब बोलने की कोशिश करेंगे एक बार। सेलिंग इज द प्रोसेस Satisfy the needs of the seller. Next line बोलो। To sell what he has. Who attempts to sell whatever he has. What he has without considering the needs of the buyers. By undertaking aggressive promotion efforts, self persuasion and personal in order to increase sales well. ठीक है, चल आइए कम टू पेज नंबर 3। उसमें मार्केटिंग की डेफिनेशन कट कर दीजिए क्योंकि हमने बहुत बार याद कर रखी है, हमें ये वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेलिंग की अभी हमने याद कर ली, एग्जैक्टली यही वर्ड टू वर्ड यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है जी। थर्ड पेज पे इसी के बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी से जो हम कल ही कर ली थी हमने, अब आ जाइए आप लोग, हमारा फिफ्थ भी पेज हो गया। अब आइए सिक्स नंबर पेज पे आइए बेटा। किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हैं, जब हम बनाते हैं और सेल करते हैं, तो हमारे को ना कुछ चीजें तो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे मान लीजिए सैनिटाइजर, ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। अब मैं डिसाइड करूंगा ना कि सैनिटाइजर की बॉटल कितने साइज की होनी चाहिए, क्या मैं प्लास्टिक बॉटल में सेल करूंगा, क्या मैं उसको ग्लास की बॉटल में सेल करूंगा, तो ये तो हो गए कंट्रोलेबल फैक्टर्स। लेकिन मान लीजिए मैं सैनिटाइजर बनाने के लिए एक मशीन इंपोर्ट करना चाहता हूँ यूएसए से, ठीक है, यूएसए से मशीन इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अब इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि अभी जब तक कोरोना चल रहा है कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये डिसीजन मेरे कंट्रोल में है? नहीं, ये क्या हो गया, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो एक वन मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो सुनना पहले, कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स जिसको कंपनी डिसाइड कर सकती है, जैसे प्राइस का रखना है, उसका प्रोडक्ट का पैकेज क्या होएगा, उसकी लेबलिंग क्या होगी, ये सब। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होते हैं? नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जिसपे कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। समझ में आ गया बच्चे, वन मार्क का क्वेश्चन है। तो आइए सिक्स नंबर पेज पे आइए, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट पैराग्राफ। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग involves creating a market offering, ठीक है, second सीधा आइए second line में, sorry आइए creating a market offering to satisfy needs and wants of the customers. There are large number of factors affecting the marketing decision. These can be divided into two categories, controllable and non-controllable. Controllable इसको important mark करिए, one mark करिए। Controllable factors are those factors which can be influenced by the firm. इन्फ्लुएंस एट द लेवल ऑफ फर्म का क्या मतलब हुआ, मतलब फर्म इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। इस पे लिखिए लाइक डिजाइनिंग द पैकेज ऑफ प्रोडक्ट, लाइक डिजाइनिंग द पैकेज ऑफ प्रोडक्ट, डिसाइडिंग द ब्रांड नेम ऑफ प्रोडक्ट। जान भी लाइट नहीं आई अभी तक। और नॉन कंट्रोलेबल लिखो, बोल रहे कि 4 o'clock तक आ जाएगी। अच्छा, 4 o'clock आएगी। आर दोस फैक्टर्स व्हिच आर नॉट कंट्रोलेबल एट फर्म्स लेवल, अंडरलाइन करिए नॉट कंट्रोलेबल, लाइक दीज आर कॉल्ड एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। गवर्नमेंट या कोविड किसी के हाथ में नहीं था, हो गया सबको चेंज, इससे इफेक्ट हो गए गवर्नमेंट पॉलिसीज वो सब। बच्चों मार्केटिंग, जैसे आप लोगों को याद होगा हमने प्रमोशन मिक्स पढ़ा था, ठीक है ना, एक मार्केटिंग मिक्स होता है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये चार जो हम पढ़ चुके हैं इतनी डिटेल में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये होता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स, तो क्या आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी? आपके पास इतना कॉन्टेंट है, अगर मैं आपको अभी बोलूं आप आधा पेज भर दोगे प्रोडक्ट के ऊपर, यस और नो, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। अगर मैं बोलूं प्राइस के ऊपर लिखना है, आप आधा पेज भर दोगे ना फैक्टर्स के बारे में, प्लेस के बारे में भी आपको पता है, प्रमोशन के बारे में भी पता है। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद करना कि एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स आ गया, हमारे पास कंटेंट ही कंटेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि ये सब तो हमने अच्छे से 6 क्लासेस लगा के पढ़ लिया, यस और नो। तो हम मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन करेंगे, इसको रीड कर लेते हैं जिससे हमारे को और अच्छे से रिवाइज हो जाए, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप याद कर चुके हो बहुत अच्छे से
छह क्लासेस, ठीक है। तो आइए मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन करते हैं, कम टू पेज नंबर 6। सीधा आ जाइए फिलिप कॉटलर वाली, पहली लाइन को कट कर दीजिए, सीधा आ जाइए सेकंड लाइन पे। फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग मिक्स एज द सेट ऑफ वेरियस मार्केटिंग टूल्स, ये है मार्केटिंग टूल्स, एज अ सेट ऑफ वेरियस मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूजेस, दीज आर मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूजेस to achieve the marketing objectives in the given market. So simple. It refers to the set of various marketing tools that the firm uses to achieve its marketing objectives in the given market. ठीक है? The marketing mix consists of various variables. बेटा जहाँ ये variables word लिखा है ना, इसके जगह ना slash लगा के मतलब पांच छह word हो सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। Question में variables भी आ सकते हैं, explain the various variables of marketing. Question में आ सकते हैं, explain the various tools of marketing. क्वेश्चन में आ सकते हैं एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, क्वेश्चन में आ सकते हैं एक्सप्लेन द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ मार्केटिंग और क्वेश्चन में आ सकते हैं एक्सप्लेन द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग। पांचों का मतलब एक ही है, तो वहां पे स्लैश लगा के लिख लीजिए, जहां वेरिएबल्स वर्ड यूज हुए, वेरिएबल्स टूल्स एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स फोर पीस कुछ भी आ सकते हैं, विच हैव ब्रॉडली बीन क्लासिफाइड इनटू four P's of marketing, these are product, price, place and promotion. अब देखिए, हम सिर्फ रीड करने जा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, लेकिन जस्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा और हमारा क्लोज भी हो जाएगा सब कुछ अच्छे से, हमें रिकॉल भी हो जाएगा, इसलिए हम रीड करें। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विस और एनी गुड्स और सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू व्हिच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान लीवर कंपनी ऑफर्स नंबर ऑफ कस्टमर्स प्रोडक्ट लाइक टॉयलेटरीज, क्लोथ, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, डिटर्जेंट पाउडर एक्सेट्रा, फूड प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल एक्सेट्रा। द इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन अंडर प्रोडक्ट आर अबाउट द फीचर्स, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। तो ये हमने पढ़ा था, अंडरलाइन करिए, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। तो देखो कितना अच्छा से हमने एक पैराग्राफ में फ्रेम कर दिया, आप इसको और इंक्रीज भी कर सकते हो, पैकेजिंग के बारे में दो लाइनें लिख के, लेबलिंग के बारे में दो लाइनें लिख के और ब्रांडिंग के बारे में दो लाइनें लिख के। ये क्वेश्चन जनरली 6 नंबर का आता है, तो आपको करीबन करीबन इसमें दो पेज तो पढ़ने ही चाहिए। प्राइस, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लेवल ऑफ प्राइस इफेक्ट्स द लेवल ऑफ डिमांड। ये हमने पढ़ रखा है सब, द मार्केटियर शुड फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन सच अ वे, ये लाइन अभी पढ़ी थी हमने आज ही, दैट कस्टमर परसीव्स इट टू बी इन लाइन विद द वैल्यू। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, द वेरियस फैक्टर्स दैट इफेक्ट द प्राइस आर, याद करो क्या क्या थे, कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, याद आ रहे, मार्केटिंग मेथड्स, कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा, आप वो भी लिख सकते हो उसमें कंटेंट को बढ़ाने के लिए। प्लेस, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट मेक द फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर, द टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू बी टेकन आर डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइन करिए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, अंडरलाइन करिए फिजिकल मूवमेंट। आज हमने फंक्शन पे पढ़ा, लेकिन हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करें। एंड प्रमोशन, इट डील्स विद इनफॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट एंड पर्सुएडिंग देम, पता है हमें, अंडरलाइन करिए, इनफॉर्मिंग द कस्टमर्स एंड पर्सुएडिंग देम, द वेरियस टूल्स व्हिच आर यूज्ड आर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। ये सब हमने कर रखा है, ठीक है। गिरीश आ जल्दी से आओ, बस इसी को रीड किया अभी हमने, कुछ ज्यादा नहीं किया। देखो कंक्लूजन बहुत अच्छी है इसकी, कंक्लूजन मार्क करना, बहुत ही प्यारी कंक्लूजन है। The success of the marketing efforts, market offer will depend upon the success of the market offer will depend upon how well these ingredients are mixed by the mixed to create superior values for customers and simultaneously achieve the profit objectives. बेटा देखो है तो अच्छी, लेकिन थोड़ी मुश्किल भी है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज सीधा लिख देना, the above are the four P's of marketing. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि एक मार्केटियर कितने अच्छे से इन चारों पीस को मिलाता है, एक अच्छा प्रोडक्ट भी बनाता है, उसकी सही प्राइसिंग भी करता है, उसकी सही प्लेसमेंट भी करता है और उसकी सही प्रमोशन भी करता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। अब आ जाइए, खत्म करते हैं, फर्स्ट पेज पे आ जाइए, बस फर्स्ट पेज पे दो डेफिनेशन मार्क करनी है और हमारी आज के ये इंट्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगी और हमारा ये आज की क्लास भी खत्म। बेटा मार्केटिंग की हमने एक डेफिनेशन मार्क की थी फिलिप कॉटलर वाली, सब कुछ कट कर दो, एक मिनट रुको, पहला पैराग्राफ पूरा कट कर दो, ये देखिए यहाँ देखिए, ये जो पहला पैराग्राफ है पूरा कट कर दो, ठीक है, जो आपकी
पहली बुलेट है ट्रेडिशनली वाली, सिर्फ उसको छोड़ो, सेकंड बुलेट भी कट कर दो, सेकंड बुलेट भी कट कर दो, फिलिप पोर्टले वाली हमने याद कर ही रखी है, लास्ट वाली बुलेट भी कट कर दो। तो सिर्फ अब हमने फिलिप पोर्टले वाली याद कर रखी है, एक ट्रेडिशनली वाली याद करनी है। ट्रेडिशनली वाली जो बुलेट है उसके लेफ्ट में लिखो ट्रेडिशनल सेंस, ट्रेडिशनली वाली जो बुलेट है उसके लेफ्ट में लिखो ट्रेडिशनल सेंस, और जो फिलिप कॉटलर वाली बुलेट है उसके लेफ्ट में लिखो मॉडर्न सेंस। बेटा क्या होता है, क्वेश्चन कभी ऐसा आता है एक्सप्लेन मार्केटिंग इन ट्रेडिशनल सेंस, तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिख के आनी है। ट्रेडिशनली मतलब क्या होता था, पहले मतलब क्या होता था मार्केटिंग का, कि वो फंक्शंस जो प्रोडक्ट को इधर देखिए प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पुश करते थे। तो आइए रीड करते, ट्रेडिशनली मार्केटिंग हैज बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शंस, इन दिस रिस्पेक्ट marketing has been referred as performance of the business activities, highlight kariye business activities that direct the flow of goods from producer to consumer. to pehle ye matlab hota tha ki business activities jisse product producer se consumer tak chala jaye, lekin aaj ye matlab nahi hai, aaj matlab hai ki needs and wants ko satisfy kar, samajh mein aa gaya? to agar traditional sense wala aayega to aapko ye likhna hai, aur agar modern sense aayega to aapko ye likhna hai, philip kotler. ab aa jao market mein, iske upar jo hai usme bhi hame do definition mark karni hai, sirf पहली वाली रखो, सेकंड कट कर दो बुलेट, सेकंड बुलेट पूरी कट कर दो, थर्ड बुलेट पूरी कट कर दो, एंड फिफ्थ बुलेट कट कर दो, फिफ्थ वाली, फोर्थ वाली रखनी है, फिफ्थ वाली कट कर दो। तो फर्स्ट वाली जो बुलेट है उसके लेफ्ट में लिखिए ट्रेडिशनल सेंस, एंड फोर्थ बुलेट के लेफ्ट में लिखिए मॉडर्न सेंस। ये मार्केट का पढ़ रहे, पहले हमने मार्केटिंग किया, अब हम मार्केट करें, मार्केट। तो पहले मार्केट का क्या मतलब होता था बताइए, पहले मार्केट का क्या मतलब होता था, आप सोच के बताइए आपके हिसाब से मार्केट का क्या मतलब होता होगा? जहाँ लोग मिलते थे पहले। Exactly, जगह जहाँ लोग और बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। देखिए एक बात बताओ, क्या आज सेलिंग या मार्केटिंग करने के लिए बायर और सेलर का मिलना जरूरी है? नहीं, बस ओनली कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन मिलना नहीं जरूरी। तो आज की डेट में कम्युनिकेशन इज द वर्ड, और पहले होता था फिजिकल लोकेशन। तो आइए ट्रेडिशनली The term market refers to a place where buyers and sellers meet and conduct buying and selling activities. So highlight kariye, buyers and sellers meet and conduct buying and selling activities. However, ab aajo aaj ki definition mein, nowadays market refers to a group of present and potential buyers and sellers, present and potential buyers and sellers who can conduct buying and selling activities even without meeting over a telephone, mail or internet. तो आज जो फोन इंटरनेट वगैरह से आज तो सारे बिजनेस व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, तो बिना मिले ही हमारा बिजनेस चल रहा है। तो ये अब एक मिनट बेटा, सिर्फ पेजेस फ्लिप करेंगे, हमने पहले पेज पे मार्केट की दो डेफिनेशन की, मार्केटिंग की दो डेफिनेशन की, ठीक है, एक बार देखते रहिए फीचर्स की। सेकंड पेज पे हमने व्हाट कैन बी मार्केटेड किया, व्हाट इज मार्केटिंग किया, सॉरी हु इज अ मार्केटर क्या। फिर थर्ड पेज पे सेलिंग की डेफिनेशन की, मार्केटिंग की फिलॉसफीज की। फिर फोर्थ पेज पे हमने यही किया, फिफ्थ पेज पे हमने आज ही किया फंक्शंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर सिक्स पेज पे हमने मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन की, कंट्रोलेबल की डेफिनेशन की, नॉन कंट्रोलेबल की डेफिनेशन की, और हमने ये किया। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट प्राइस सब पहले कर चुके हैं, अब हमारा सिर्फ प्लेस बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मेरा एक बार सुन लीजिए स्केड्यूल, हमने ये कल डिसाइड किया था कि हम अपना इस बैच को सेपरेट ही रखेंगे, ठीक है। अभी एक क्लास लगा के मार्केटिंग खत्म करेंगे, जो क्लास आपकी है नेक्स्ट ट्यूसडे को, ठीक है, 12 बजे, ठीक है। और हम थर्सडे को, आज मैं मार्केटिंग के आपको एमसीक्यूज सेंड करूंगा, आई विल सेंड एमसीक्यूज ऑफ मार्केटिंग टुडे। थर्सडे को हम मार्केटिंग के एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, आप करोगे घर पे, हम उसको डिस्कस करेंगे थर्सडे को। और नेक्स्ट फ्राइडे, अब जो फ्राइडे है परसों वो नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे को हम मार्केटिंग का टेस्ट रखेंगे, ठीक है बच्चों, 1 घंटे का। ऑल ओके, सही है, समझ आ जाएगा? हाँ गिरीश बोल, क्या हुआ, नहीं देना? ठीक है, हाँ ठीक है ना, ये हो गया। उसके नेक्स्ट वीक से फिर हम अपना नेचर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर, ठीक है जी। आपकी कल क्लास नहीं है, कल कोई क्लास नहीं है। अब आप अपना होमवर्क एक बार नोट करिए, आज आपका होमवर्क है कि आपको फंक्शंस ऑफ मार्केट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की हेडिंग्स, जो 12 फंक्शंस है, हेडिंग्स 2 टाइम्स भेजनी है मेरे को, और आपको फीचर्स ऑफ मार्केटिंग की जो हेडिंग्स है वो 2 टाइम्स भेजनी है, ठीक है। इसके अलावा किसी ने भी मेरे को कल का होमवर्क नहीं करके दिया, फिलॉसफीज मैं इसलिए आज का बहुत कम दे रहा हूँ, आज सिर्फ हेडिंग्स दे रहा हूँ। फिलॉसफीज जो हमने कल की थी
वो आपको मेरे को एक बार डिटेल में लिख के भेजनी है। आपको ये होमवर्क मुझे बाय मंडे तक भेजना है। आज है वेडनेसडे, ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डेफिनेशंस आज जो करी है। कौन सी? आज जो डेफिनेशंस। नहीं, आज मैं आपको कम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फिलोसफीज लिखवानी है आपसे, तो आप सिर्फ हेडिंग्स याद तो करना ही आपको क्योंकि टेस्ट है आपका नेक्स्ट वीक, लेकिन आपको सिर्फ फिलोसफीज लिख के भेजनी है। टेस्ट हमारा सब्जेक्टिव होएगा, मैं आपको भेजूंगा पेपर, आप लिख जूम पे ही होएगा टेस्ट, जूम आप ओपन करोगे, मैं आपका पेपर सेंड करूंगा, आप लिख के उसकी पीडीएफ बना के मेरे को भेजो, ठीक है जी? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? मिलते हैं फिर हम ट्यूसडे को 12 बजे, हम अपना प्लेस करें, ठीक है जी? चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। पूछना है कुछ पुलकित?